बिग बॉस के घर के अंदर हुआ शॉकिंग ट्रिपल इविक्शन। जी हाँ, एक ऐसा खबर जो है वो निकल कर सामने आ रही है दोस्तों आज के एपिसोड से और वीकेंड के वार के एपिसोड से जुड़ी, जो कि पूरी तरह से आप सभी दर्शकों को हिला देगा। अब ये सारी की सारी खबरों से एक बात तो तय पूरी तरह से हो जाती है दोस्तों, कि इन सारे के सारे इविक्शंस की वजह से यहां करणवीर मेहरा को जरूर थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। करणवीर मेहरा थोड़ा बहुत खुश होते हुए नजर आएंगे। वहीं ईशा सिंह, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी पावर्स हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि होने वाला है दोस्तों ट्रिपल इविक्शन। और उन ट्रिपल इविक्शंस में से सारे इविक्शंस जो हैं कहीं ना कहीं यहां ईशा के करीब के ही होंगे। चलिए, यही बात आप सभी दर्शकों को बताते हैं हम आज के इस खास रिपोर्ट में। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों, तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। चलिए बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में यही बात। बिग बॉस 18 के घर की जो टीआरपी जो है इस हफ्ते की, वो छप्पड़ फाड़ के आई है। और इसी वजह से आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, बिग बॉस के मेकर्स नए ट्विस्ट एंड टर्न्स जो है बिग बॉस के घर के अंदर लेकर आना चाहते हैं। और इसी बड़ी वजह से बिग बॉस के मेकर्स तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और जो घर के अंदर कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनकी पूरी तरह से यहां पर बताना चाहते हैं दोस्तों, एग्जिट करवाने के बारे में सोच रहे हैं। तो यहां पर पहला इविक्शन जो है वो होगा आज के एपिसोड में। और वो पहला इविक्शन किसका होगा तो बताना चाहते हैं दोस्तों, पहला इविक्शन होने वाला है दोस्तों अदिति मिस्त्री का। जी हाँ, तीनों वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट को एक्टिविटी एरिया में बुलाएंगे, यानी कि ईडन, अदिति और यामिनी। और इन तीनों में से जिसका रिश्ता घर वालों से काफी कम बना होगा उनको इविक्ट करवा देंगे, यानी अदिति को इविक्ट करवाने वाले हैं बिग बॉस के घर के अंदर। तो यह है पहला इविक्शन। यहां पर थोड़े बहुत करणवीर मेहरा सैड होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद बताना चाहते हैं दोस्तों, बाकी दो इविक्शन जो है वो 7 नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में से किसी दो का होगा। तो 7 नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट कौन कौन है? करणवीर मेहरा है, विवेन देसेना है, अविनाश मिश्रा है, श्रुतिका है, कशिश कपूर है, सारा है और बग्गा है। अब उन 7 नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में जो सबसे ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं उनके नाम तो आप सभी दर्शकों को हम बताना चाहते हैं दोस्तों, कुछ और नहीं है बल्कि विवेन देसेना। विवेन देसेना को छप्पड़ फाड़ के वोट मिल रहे हैं, इतिहास रच दिया है हमारे विवेन देसेना ने। इसके साथ ही साथ दूसरे कंटेस्टेंट कौन है? तो दूसरे कंटेस्टेंट यहां पर हैं करणवीर मेहरा। करणवीर मेहरा और विवेन देसेना के बीच में कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ तीसरे नंबर पर कौन है? तो तीसरे नंबर पर अविनाश है। अविनाश है जिन्हें बिग बॉस के मेकर सबसे ज्यादा वोट जो है वो दे रहे हैं, सबसे ज्यादा पसंद जो है यहां पर कर रहे हैं अविनाश को भी। अविनाश, करणवीर मेहरा और विवेन देसेना, ये 3 है टॉप 3। टॉप 4 पर हैं यहां पर श्रुतिका। श्रुतिका को भी वोट्स मिल रहे हैं दोस्तों, साउथ की जानी मानी अधिक अदाकारा हैं श्रुतिका, और इसी वजह से श्रुतिका को साउथ से काफी ज्यादा वोट्स मिल रहा है। अब कशिश कपूर इसके बाद है। अब बॉटम 2 कंटेस्टेंट की बात करें तो बग्गा और सारा, इन दोनों का ही डबल इविक्शन होने वाला है दोस्तों, यानी कि एक अदिति का, एक सारा का और एक बग्गा का, इन तीनों का इविक्शन हो जाएगा इस हफ्ते, जो कि बहुत ज्यादा घर वालों के लिए शॉकिंग होगा। लेकिन करणवीर मेहरा के लिए खुशी की बात होगी दोस्तों, क्योंकि इन तीनों में से किसी का भी किसी के साथ जो है गहरा कनेक्शन नहीं था करणवीर का। हाँ, अदिति के साथ थोड़ा गहरा कनेक्शन उनका था। इसके बाद ईशा जो है पूरी तरह से फूट फूट कर रोने वाली हैं, क्योंकि उनके ग्रुप के बग्गा जी जो हैं वो चले गए हैं। इसके साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, सारा के साथ भी उनकी बॉन्डिंग जो थी काफी अच्छी ही थी। तो ये चीजें जो हैं आप सभी दर्शकों के सामने अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा। सो कितने ज्यादा आप हैं एक्साइटेड इन सभी मतलब चीजों को देखने के लिए बिग बॉस 18 के घर के अंदर? कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात तो जरूर बताएं दोस्तों। तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज की रिपोर्ट। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिल्कुल भी। आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही।